यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर 4 साल पहले जन्मा टाइगर श्रॉफ अब बड़ा हो गया है और गुर्राने वाली बचकानी आवाज अब दहाड़ में बदल चुकी है, जिसके चलते पूरा बॉक्स ऑफिस कांपने लगा है। टाइगर श्रॉफ बागी 2 के जरिए अपनी एक फुल फॉर्म में आ चुके हैं। बागी 2 ने पहले ही दिन एक शानदार ओपनिंग ले ली है, जो कि ना सिर्फ 2018 की बल्कि टाइगर श्रॉफ के पूरे करियर की भी सबसे बड़ी ओपनिंग है। टाइगर श्रॉफ की ये सबसे बड़ी फिल्म है, जिसे देश भर में 3,500 से अधिक स्क्रीन्स पर और ओवरसीज में 45 देशों की 625 स्क्रीन्स पर 30 मार्च यानी कल रिलीज किया गया है। टाइगर की एक्टिंग स्किल्स को देखने के लिए दर्शकों में भी काफी ज्यादा उत्साह था। वहीं मनोज बाजपेयी, रणदीप हुड्डा, दीपक डोबरियाल और प्रतीक बब्बर जैसे बड़े स्टार्स ने भी अपनी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स को दिखाकर सबको चौंका दिया, जिसके चलते फिल्म ने पहले दिन 25 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस कर लिया है और ये 2018 की सबसे बड़ी ओपनिंग बन चुकी है, पद्मावत से भी बड़ी। अगर पद्मावत के कलेक्शन की बात की जाए तो पहले दिन पद्मावत ने 19 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर इसमें पेड प्रीव्यूज को भी ऐड कर दिया जाए तो भी 24 करोड़ रुपए बनते हैं। पद्मावत से भी आगे निकलना बागी 2 के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कही जा सकती है और जो भी लोग टाइगर श्रॉफ के एक्शन स्किल्स और डांसिंग स्किल्स के दीवाने हैं उन्हें तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए और मैं अपनी तरफ से इस फिल्म को देना चाहूंगी 3 स्टार्स।